अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो बिल्कुल तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो बिल्कुल तैयार है। यह है राजस्थान सरकार के वर्तमान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जो कि वाड़मेर की बायतू विधानसभा सीट से विधायक है। लेकिन फिलहाल मंत्री जी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पिछले यानी 2014 के चुनाव में कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रही, जब बीजेपी ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता जसवंत सिंह को बाड़मेर से उम्मीदवार नहीं बनाया। दरअसल जसवंत सिंह पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से सांसद थे, जो कि 2014 में बाड़मेर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन पार्टी ने जसवंत सिंह और ना ही बाड़मेर सीट से एक बार जीत दिला चुके मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया। वैसे मानवेंद्र सिंह भी 2004 में बीजेपी के खाते में बाड़मेर की सीट डाल चुके थे, और वो भी 3 बार के लगातार सांसद रहे कांग्रेस के कर्नल सोनाराम को हराकर। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर जसवंत सिंह ने निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया था। जसवंत सिंह बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हुआ करते थे। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और एक बार के बाड़मेर सीट बीजेपी के खाते में डाल चुके मानवेंद्र की जगह 2004 में मानवेंद्र के हाथों हार चुके और कांग्रेस के टिकट पर 3 बार के सांसद रह चुके सोनाराम पर भरोसा जताया। सोनाराम भी 2009 में हरीश चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने से नाखुश थे। वैसे 2009 में हरीश चौधरी पार्टी के खाते में बाड़मेर की सीट डाल चुके हैं। वैसे बीते विधानसभा चुनाव में सांसद कर्नल सोनाराम भी विधानसभा के लिए बाड़मेर की सीट से ताल ठोक चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेसी उम्मीदवार से करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सोनाराम ने चुनाव लड़ने को गलत कदम बताया था। बीते विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी के शिव विधानसभा से विधायक और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया और वसुंधरा राजे से बदला लेने के लिए झालरापाटन सीट से विधानसभा का नामांकन भर दिया, जिसमें मानवेंद्र को हार का सामना करना पड़ा था। वैसे तो कांग्रेस के ज्वाइन करने के साथ ही दबी जुबान में राजनीतिक गलियारों में खबरें उड़ना शुरू हो गई थी कि मानवेंद्र सिंह पिता की हार का बदला लेने के लिए बाड़मेर सीट से लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन मानवेंद्र ने लोकसभा से पहले ही वसुंधरा के खिलाफ अपना दांव चल दिया, जहां से मानवेंद्र को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब मानवेंद्र सिंह के सामने एक बार फिर हरीश चौधरी को ताल ठोकने से मुश्किलें बढ़ सकती है।